ही माँ तेरी बखान, भक्तों को दे देते हो पल में तुम वरदान। हो शमशान निवासी तुम, भूत प्रेत है संग, गौरा मात विराजती हरदम बाए अंग।
थी उनका बहुत सम्मान। अपने गंतव्य को ऋषि फिर कर गए प्रस्थान। सहस्त्रबाहु नामक राजा फिर जंगल में आया। देखी ऋषि की कुटिया तो जल पीना चाहा। सहस्त्रबाहु ने रेणुका को आके किया प्रणाम। बोले देवी करना है थोड़ा सा जलपान। कामधेनु की कृपा से सब कुछ था तैयार। शीतल जल पीने को दिया और स्वादिष्ट भोजन। सहस्त्रबाहु का खा पी कर तृप्त हो गया मन। बोला देवी आपने कैसे कर दिखलाया। बोली रेणुका काम धेनु से ये सब पाया। पाप आया कामधेनु को अपने संग में ले जाना चाहा। कामधेनु काबू में पर उनके ना हो पाए। सहस्त्रबाहु की रेणुका पर फिर तो गई निगाहें। बलपूर्वक वो रेणुका को ले गया अपने साथ। जमदग्नी जब आए तो लगा बड़ा आघात। की ही बहन, बहन का ये अपमान वो कर ना पाई थी सहन। आदर पूर्वक रेणुका को वापस था भिजवाया। किंतु ऋषि जमदग्नि ने उन्हें न था अपनाया। बोली रेणुका आपको छोड़ कहाँ पर जाऊं। इससे अच्छा आपके हाथों में मर जाऊं। दाग लगाया है आदेश मेरा परशु ना करना इस भंग। अपनी माता को दे दो जाकर मृत्यु दंड। पिता की आज्ञा का पालन करना उन्हें पड़ा। मिला उन्हें आदेश तो करनी पड़ी हत्या।
की शरण में फिर तो वो है आए। करके तपस्या भोले की उन्हें वो मनाए है, नंगे पांव गंगोत्री से कावड़ वो तो लाए है। भोलेनाथ की कृपा फिर उन्होंने पाई है, सभी सिद्धियां भोले ने फिर तो लौटाई। करते सदा दया पापी क्षत्रिय जितने भी करते अत्याचार, उसी पर से परशुराम उनका करे संहार। परशुराम जो भोले की कावड़ लाए है, मात हत्या दोष से मुक्ति वो पाए है। वो भोलेनाथ की कृपा पाते हैं, सोमवार के दिन जो भी करते उनका पूजन, लोटा भर जल शिवलिंग पर जो करते हैं अर्पण। भोलेनाथ ही भक्तों के कष्ट मिटाते हैं, सच्चे मन से नमः शिवाय जोगी।